नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में और निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दी हुई बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में और निफ्टी में जो सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब की एनालिसिस करेंगे। उसमें देखेंगे कि कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी ऐसी ट्रेंड लाइन है जहाँ से बार बार सपोर्ट लेकर जो है पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है बाउंस बैक कर रहा है। उन सब चीज़ों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। पहले मैं ये सारे जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हुए हैं एनालिसिस इसको मैं डिलीट कर देता हूं और आप लोगों को मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कल निफ्टी में मूव हुई उसके बारे में, तो निफ्टी ने किस तरह से मूव किया वो सारी चीजों की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो निफ्टी में मूव हुई थी सेम जैसे मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर दी थी, सेम बिल्कुल वही पोजीशन यहां पर निफ्टी में भी थी। तो यहां पर भी फाइनली अगर आप यहां पर से देखेंगे कि गैप अप ओपन हुआ था यहां डबल टॉप पैटर्न के बाद कंटिन्यू जो है यहां पर नीचे की तरफ आया था। और फाइनली देखिए यहां पर बाउंस बैक क्यों हुआ था उसकी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर भी देखिए एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यू काम कर रही थी निफ्टी के लिए, तो वो ट्रेंड लाइन भी मैं आप लोगों को यहां पर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये देखिए वो ये ट्रेंड लाइन थी जो कि यहां पर निफ्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहां पर जहां से बाउंस बैक हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने जो है आप लोगों को 30 मिनट के चार्ट में दिखाया है। ये देखिए अब मैंने यहां पर ये 15 मिनट का चार्ट मैंने आप लोगों के लिए लगा लिया है और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। तो ये देखिए यहां पर जो कल निफ्टी में जो बाउंस बैक हुआ था, यहां पर देखिए मैंने नीचे से जो ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करी है अभी, तो आप देख सकते हैं कि सेम उसी लेवल को टच करके यहां पर जो है निफ्टी में बाउंस बैक फिर शाम को 2 बजे के बाद हुआ था। तो चलिए अब यहां पर जो हम एक बड़ी पिक्चर के बारे में बात करेंगे कि निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए मैं आप लोगों को अभी एक मैं लॉजिकल चीज यहां पर दिखाने जा रहा हूं। मैंने यहां पर निफ्टी का चार्ट जो है थोड़ा बड़ा कर लिया, इसको मैं वीकली कर लेता हूं और आप लोगों के लिए यहां पर एनालिसिस जो है करके बताऊंगा। तो यहां पर थोड़ा नेट का इशू आ रहा है मुझको ऐसे लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। मैंने यहां पर जो इसको मैं 1 डे के चार्ट में आप लोगों को दिखाता हूं, पूरी प्रॉपर एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि देखिए अब यहां पर कौन से लेवल यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं इसको जो एक ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करूंगा, ये देखिए ये मैंने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मैंने यहां से ड्रॉ कर ली है, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन मैं यहां पर ऊपर से ड्रॉ करूंगा जो कि चैनल पैटर्न में जो काम कर रहा है। अब ये देखिए तो इसको हम थोड़ा ऐसे सही कर लेते हैं। चलिए अब हमने ये जो है इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया है। अब यहां पर देखिए क्या चीज देखने वाली है, यहां पर हम ये चीज देख रहे हैं कि निफ्टी जो है वो कंटिन्यू, मतलब मार्च से जब कोविड के इश्यू के कारण जो है मार्केट बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई थी, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गिरी थी, उसके बाद से जो है हमने यहां पर एनालिसिस की है। तो ये देखिए कंटिन्यू निफ्टी जो है एक चैनल में चल रहा है, कंटिन्यू हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो ये देखिए अब ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ये देखिए जो मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है जो चैनल के ऊपर की ट्रेंड लाइन है, तो यहां पर इसको आप ध्यान से देखिए, ये देखिए यहां से मैंने टच किया है, ये दूसरा टच यहां पर है, तीसरा टच यहां है और चौथा टच यहां पर है। अब जो निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो बिल्कुल इसके रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो ऊपर चैनल का जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है उसके आसपास ही जो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर देखिए अब अलर्ट होने की जरूरत है, अब बायर्स को यहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप बाइंग पोजीशन में हैं तो यहां पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज ये जो है देखिए क्योंकि इस चैनल के जो है अपर ट्रेंड लाइन के पास जाकर ही निफ्टी यहां से रिवर्स होता है। देखिए अब मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं, देखिए जब यहां से चालू हुआ था निफ्टी तो देखिए अपर चैनल को टच करके यहां से रिवर्स हो गया था, फिर देखिए जब जब अपर चैनल के पास गया तो रिवर्स हुआ है, फिर यहां पर देखिए अपर चैनल को इसने टच किया है फाइनली फिर रिवर्स हुआ है, उसके बाद यहां देखिए यहां अपर चैनल के पास गया है फिर रिवर्स हुआ है, और इस टाइम हमको निफ्टी फिर जो है बिल्कुल अपर चैनल के आसपास ही अब ये ट्रेड कर रहा है। सो आप लोग अलर्ट हो जाइए, अब यहां पर जो है सेलिंग आ सकती है। देखिए दूसरा देखिए हम सेलिंग के लिए हम यहां पर कब जाएंगे, एक मैं यहां से नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा आप लोगों के लिए और आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने यहां ड्रॉ की है उसे मैं डिलीट कर देता हूं। तो अब देखिए अब मैंने यहां पर जो ये ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ कर ली है, अब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम तब तक ही बुलिश हैं, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा यहां पर एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और यहां पर हमारा टारगेट जो है, पहला टारगेट यहां पर जो रहने वाला है, ये मैं पोजिशनल के लिए बता रहा हूं,
जो हमारा पहला टारगेट यहाँ पर रहने वाला है वो टारगेट नियर अबाउट ये देख लीजिए 13,100 के आसपास होने वाला है। तो अभी जो निफ्टी जो चल रहा है वो 13,513 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 13,150 हमारा पहला टारगेट होने वाला है और यहाँ पर 12,800 के आसपास हमारा यहाँ पर दूसरा टारगेट होने वाला है। और यहाँ पर कोई अगर ज्यादा ही कोई नेगेटिव न्यूज यहाँ पर अगर देखने को मिली तो फिर ये नीचे का ट्रेंड लाइन, ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन है इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 12,500 का। तो अभी देखिए 13,500 के आसपास चल रहा है और 12,500 के आसपास हमारा फाइनल टारगेट है। मींस कहने का मतलब ये है कि निफ्टी जो है 1,000 पॉइंट्स जो है गिर सकती है, ऐसा मतलब मुझको लग रहा है, जो चार्ट मुझे बता रहा है ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो है यहाँ से 1,000 पॉइंट क्रैश हो सकती है। बट मतलब हम सिर्फ सेलिंग साइड ही नहीं जाएंगे, अगर यहाँ से देख लीजिए ये जो चैनल हमने ड्रॉ किया हुआ है, अगर इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, अगर इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो यहां पर एक बहुत जबरदस्त तेजी भी हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी इस तरह के पैटर्न ब्रेक होते हैं, जब भी इस तरह के चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक होते हैं तो बहुत ज्यादा बहुत एक अच्छी जबरदस्त और बहुत अच्छी मूव होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हमको यहां पर सिर्फ एक कंफर्मेशन लेनी है, अब ये ऊपर की ट्रेंड लाइन और ये जो मैंने ये नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये दो ट्रेंड लाइन, अब यही दोनों ट्रेंड लाइन जो है निफ्टी की मूव जो है डिसाइड करेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो यहां पर 15,000 के लेवल भी हम देख सकते हैं बहुत जल्दी, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। बट अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तब हमने यहाँ पर 12,500 के आसपास हम आ सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अभी अगर आप बाइंग पोजीशन में हैं तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन कवर कर लेनी चाहिए और उसके बाद जब यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है फिर आपको यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो निफ्टी का मैंने यहाँ पर अभी देखिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो यहाँ पर चार्ट खोल लिया है। अब यहाँ पर देखिए अडानी पोर्ट, तो अडानी पोर्ट देखिए यहाँ पर कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में चलते हुए जा रहा है। अब यहाँ पर एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो फ्लैग पैटर्न अब देखिए अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम 475 के ऊपर बायर बन जाएंगे, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 455 रुपए के नीचे हम सेलर बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा एशियन पेंट। एशियन पेंट देखिए मैंने आपको ये लेवल दिया था, देखिए मैं जो है वीकेंड पर अपने टेलीग्राम ग्रुप में वहां पर मैं पोजिशनल स्टॉक्स वहां पर देता हूं, जो भी स्टॉक्स ब्रेकआउट करने वाले हैं वो सारे मैं वहां पर 10 से 12 स्टॉक मैं देता हूं नेक्स्ट वीक के लिए या फिर 10 दिनों के लिए 15 दिन की होल्डिंग के लिए। और वो मैं आज अपडेट भी करने जा रहा हूं, मैं हर वीकेंड पे अपडेट भी कर देता हूं और फ्रेश स्टॉक भी दे देता हूं। तो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको देखिए एक तो बैंक निफ्टी की इंट्राडे की डेली की चार्ट वहां पर आपको मिलते रहते हैं, दूसरा आपको जो है वीकेंड पर आपको पोजिशनल स्टॉक्स की जो है वॉच लिस्ट मिल जाती है विद प्रॉपर चार्ट लेवल्स, ठीक है। तो चार्ट और लेवल के साथ आपको ये सब चीजें मिलती है। तो यहां पर देखिए अभी हमको यहां पर 2,560 रुपए के ऊपर हम यहां पर बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज जो है यहां पर कुछ करेक्शन होनी यहां पर बाकी कुछ करेक्शन हो सकती है। मे बी अगर आपको 2,450 के आसपास मिलता है या 2,430 के आसपास मिलता है तो यहां पर एक अच्छी एंट्री बन सकती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक देखिए अभी यहां पर बाइंग करेंगे 640 रुपए के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो ये देखिए ये जो चार्ट मैंने बना रखा है तो ये चार्ट का यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है 3,290 के लेवल के आसपास। तो अब यहां पर देखिए ये एक रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करने के बाद फाइनली यहां से जो है एक इसने ग्रीन कैंडल बना दी है। तो यहां पर मंडे को आप बाइंग कर सकते हैं 3,340 रुपए के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। मैं यहां पर आपको वीकली चार्ट यहां पर दिखाने जा रहा हूं। अब ये देखिए वीकली चार्ट, यहां पर वीकली चार्ट में देखिए ये फर्स्ट टॉप बना हुआ है और ये सेकंड टॉप यहां पर बना हुआ है। तो यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। अब जब तक डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम यहां पर बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। और देखिए इसमें अगर हमने बाइंग के लिए देखना है तो हमको एक क्लोजिंग चाहिए, वो क्लोजिंग चाहिए 5,000 के ऊपर। अगर 5,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम यहां पर जो है बाइंग के लिए जाएंगे। देखिए 5,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, सो यहां पर 5,000 के ऊपर एक क्लोजिंग आने दीजिए अगर आप बाइंग करना चाहते हैं। अदरवाइज यहां पर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, अगर यहां नीचे 4,650 का लेवल ब्रेक होता है तो ये नीचे की तरफ आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा बजाज फिंसर्व, बजाज फिंसर्व में भी बिल्कुल सेम कहानी है जैसे मैंने आपको बजाज फाइनेंस में बताया, तो बजाज यहां पर भी जो है थोड़ा अलर्ट होकर ट्रेड करिए। नेक्स्ट है बीपीसीएल, तो बीपीसीएल के देखिए यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहां पर बन रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखिए क्या होता है, ये एक चार्ट पैटर्न होता है और ये जिस तरफ भी ब्रेकआउट करता है हम उस तरफ ट्रेड करते हैं। अगर ये अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम बायर बन जाएंगे और ये नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो हम यहां पर सेलर बन जाएंगे। सो यहां पर अभी ब्रेकआउट होने दीजिए, चाहे वो ऊपर की तरफ का हो चाहे वो नीचे की तरफ का हो। नेक्स्ट है हमारा देखिए भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल ने फाइनली यहां पर ब्रेकआउट दे दिया है। ये देखिए ऊपर से जो मैंने यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के
बाद यहां पर जो एक रेजिस्टेंस था इसके लिए 495 का, 495 का लेवल भी इसने क्लोज क्रॉस कर दिया है। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो 500 के ऊपर की क्लोजिंग दे, अभी कंटिन्यू 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मे भी यहां पर देखिए मंडे के सेशन में एक तेजी आ सकती है, 510 रुपए के 510 रुपए के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हैं, 515 रुपए और 520 525 रुपए यहां पर इंट्राडे का टारगेट होगा। ब्रिटानिया, अब ब्रिटानिया अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से जो यहां पर ट्रेंड लाइन आ रही है ये देखिए ध्यान से, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है ब्रिटानिया पहुंच चुका है। तो ब्रिटानिया एक तो देखिए ये जो नीचे से मैंने चैनल पैटर्न बनाया हुआ है, एक तो इस चैनल में चल रहा है और ऊपर से जो है ये ट्रेंड लाइन का, तो यहां पर इसके लिए अभी दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और मे बी यहां से कल को ये नीचे की तरफ आ सकता है। इसको हम बाइंग के लिए देखेंगे 3800 रुपीज की क्लोजिंग के ऊपर, अदरवाइज यहां से ये नीचे की तरफ आ सकता है, तो इसके लिए अलर्ट रहिएगा क्योंकि ऊपर से भी ट्रेंड लाइन का एक इसको रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है हमारा सिप्ला, तो सिप्ला देखिए अभी ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसको रेंज क्रॉस करने दीजिए तब हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोल इंडिया, तो कोल इंडिया में देखिए फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं आप लोगों को जो है आज जो वीकेंड में जो चार्ट में दूंगा वो कोल इंडिया भी दूंगा। तो यहां पर देखिए मैंने यहां से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है इसको ध्यान से देखिए, फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप यहां पर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक छोटे से स्टॉप लॉस 132 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। सो अभी इसके ऊपर 140 के ऊपर निकलने दीजिए, 140 के ऊपर आप अपनी एंट्री बनाइएगा अगर बनाना हो तो। एंट्री बनाने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिए, अपने एडवाइजर से सलाह भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैं यहां पर आप लोगों को एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाता हूं, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने आपको दिखाया कि यहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है और फ्रेश ब्रेकआउट के बाद ये जो है कोल इंडिया अब ऊपर की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर रेड्डी, तो डॉक्टर रेड्डी भी देखिए यहां पर एक कंटिन्यू एक रेंज में यहां पर ट्रेड कर रहा है, पहले नीचे की तरफ गया, अब ये जो इसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट है वो 5100 का, अब 5100 के ऊपर इसको एक बार निकलने दीजिए। देखिए फाइनली तो अभी हम वेट कर रहे थे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस होने का, फाइनली इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है। अब ट्रेंड लाइन क्रॉस होने के बाद इसके पास जो हर्डल है वो 5100 का है, 5100 की क्लोजिंग इसको जो है 5250 और जो है इसको 5500 तक लेके जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आइशर मोटर, तो आइशर मोटर देखिए इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो था 2500 का और फाइनली कल के सेशन में इसने 2500 का लेवल ब्रेक कर दिया है और इसने जो लो लगाया है वो लो लगाया है 2450 का। अब ये अगर मंडे के सेशन में 2450 के नीचे निकलता है तो हम यहां पर 2400 के टारगेट के लिए यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए गेल, अब देखिए गेल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने बाइंग के लिए दिया था वो 85 रुपीज पर दिया था पोजिशनल के लिए और यहां पर फाइनली देखिए हमारा 122 हमारा पहला टारगेट था, 85 रुपीज से देखिए 122 मोर देन हमने यहां पर 35% इसमें पहला टारगेट यहां पर बुक कर लिया है और अभी भी यहां पर हमारे पास 50% क्वांटिटी होल्ड है। यहां पर जो मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट मेरा यहां पर अभी काफी ऊपर है, सो इसको अभी हम कंटिन्यू होल्ड करके रखेंगे। टारगेट यहां पर हम 150 के लिए अभी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। सो यहां पर आप देखिए हमने 85.5 के आसपास हमने यहां पर बाइंग बनाई थी और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पोजिशनल के लिए मैंने आपको इसको प्रेफर भी किया था, दिया भी था। अगर आपने बनाए होंगे इसमें एंट्री तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे यहां पैसे बनाए हैं। फाइनली यहां पर एक और यहां पर फ्रेश जो है मूव हो चुकी है फ्राइडे के सेशन में, मंडे को ये काफी अच्छा कर सकता है तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा एचसीएल टेक, तो एचसीएल टेक देखिए एचसीएल टेक को अभी छोड़िए अभी जाने दीजिए, अभी एचसीएल टेक में कोई खास मूव मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक मैंने बैंकिंग की वीडियो बना दी है वो जाके देख लीजिएगा। फाइनली इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होने दीजिए या फिर यहां पर 1410 के ऊपर निकलने दीजिए फिर इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी, तो एचडीएफसी के लिए देखिए जो ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम यहां पर बुलिश है और फाइनली देखिए ये सॉरी एचडीएफसी लाइफ है क्योंकि एचडीएफसी का चार्ट दूसरे तरीके का है, वो अभी मैंने देखा तो मुझे ध्यान में आ गया। तो ये एचडीएफसी लाइफ है, इसको जो है देखिए 675 के ऊपर एक बार क्लोज करने दीजिए, 675 के ऊपर की क्लोजिंग इसको जो है 700 और 750 के लिए लेके जाएगी। नेक्स्ट है हमारा हीरो मोटो, तो हीरो मोटो में देखिए फाइनली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था, ये देखिए यहाँ शोल्डर है फिर हेड है फिर ये शोल्डर, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आता तो इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाता और हम यहां पर जो है एक पोजीशन बना सकते थे, बट फाइनली यहां से जो ऊपर की तरफ मूव कर गया, अब जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करेगा तब तक इसको हम सेल नहीं करेंगे, फिलहाल अभी हम इसको बाइंग के लिए नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंडाल्को, तो हिंडाल्को के देखिए ये जो ऊपर का लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा है 255 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है
और यहां पर देखिए अगर ये 238 का लेवल का इंट्राडे में ब्रेक करता है तो हम यहां पर सेल के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो फाइनली हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी ब्रेकआउट दे दिया है। यहां पर मैंने लास्ट वीकेंड पर मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था पोजिशनल के लिए, और मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर 2220 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप यहां पर पोजिशन बना सकते हैं। तो फाइनली देखिए 2220 रुपए से इसने जो है 2400 के आसपास जो है इसने मूव दे दी है। अब यहां पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो यहां पर कुछ आप थोड़ा सा वेट करिए इंट्राडे के लिए या फिर पोजिशनल के लिए, क्योंकि यहां पर यहां 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 6 दिनों से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा इसको रीटेस्ट होने दीजिए, या फिर आपको कहीं रीटेस्ट होकर इस लेवल पर मिलता है 2220 2250 के लेवल पर तो आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी, तो HDFC ये देखिए HDFC अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हम बुलिश हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लोजिंग जो है यहाँ पर आने दीजिए कम से कम 2350 के ऊपर, 2350 के बाद हम 2450 और 2550 के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक, तो ICICI बैंक के लिए बैंकिंग की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला है ICICI बैंक में, जाकर बैंक निफ्टी की वीडियो देख लीजिएगा, वो मैंने अपलोड कर दी है। नेक्स्ट है हमारा ITC, तो ITC देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रेफर किया था टेलीग्राम में चार्ट पोस्ट किया था, 175 के ऊपर निकलता है तो बाइंग कर सकते हैं, और फाइनली 215 रुपए का टारगेट यहाँ पर हमारा अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको वीकली चार्ट लगाऊंगा और एक चीज और मैं आपको लॉजिकल चीज बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर वीकली चार्ट में देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, और फाइनली अगर अब आपको यहां पर तैयार रहना चाहिए अगर आप यहां पर एक अच्छी मूव कैप्चर करना चाहते हैं। और यहां पर देखिए अभी जो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है इसके 220 का, 220 के ऊपर निकलने दीजिए, 220 के ऊपर निकलता है तो यहां पर एक कंफर्मेशन हो जाएगी, 220 के ऊपर निकलता है तो 240 और 250 रुपए के लिए हम यहां पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए कोल इंडिया और ITC में फ्रेश ब्रेकआउट हुए हैं, इस चीज को आप एनालिसिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा IOC, तो IOC अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो एक बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पर है। ये देखिए पहला टच ये है, दूसरा तीसरा चौथा, तो फाइनली यहां पर जो है एक अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास काम कर रहा है, और यहां पर इसने जो है बेयरिश कैंडल भी बनाई है। तो यहां पर हम कल इसको बाइंग के लिए सेलिंग के लिए देख सकते हैं 93 रुपीज के नीचे, यहां पर टारगेट हमारा 92 91 और 90 का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक में अभी कोई मेरे को खास पैटर्न नहीं दिख रहा है, यहां पर एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को चलिए मैं इसके इसके बारे में मैंने प्रॉपर एनालिसिस बैंक निफ्टी की वीडियो में की हुई है, उसको जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा इंफोसिस, तो इंफोसिस भी देखिए कंटिन्यू एक ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ये देखिए ये ऊपर एक रेजिस्टेंस इसका हर्डल है 1185 का, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन है, तो ये मतलब इसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होने दीजिए, 1180 के ऊपर निकलता है तो हम यहां पर पोजीशन बनाने के लिए जाएंगे, और इंट्राडे में भी आप जो है 1180 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है JSW स्टील, तो JSW स्टील को हमने यहां पर प्रेफर किया था 300 रुपए के ऊपर, और फाइनली देखिए इसका जो हाई लगा है वो 376 का, और हमारा 360 का टारगेट था, यहां पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब यहां पर देखिए ये जो चैनल है इस चैनल के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। देखिए यहां पर ऊपर अपर चैनल को टच किया, फिर नीचे की तरफ आ गया, लोअर चैनल को टच किया, फाइनली ऊपर गया, और इस अपर चैनल के आसपास से जो रिवर्स हुआ, तो फाइनली मतलब अब देखिए जब भी इस चैनल का ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट हो सकता है। और फाइनली अभी आपको जो है दिख रहा होगा कि यहां पर लोअर चैनल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो यहां से बाउंस बैक हो सकता है, और बाउंस बैक होकर जो है अपर चैनल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। बट एक चीज का यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर ये 350 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम यहां पर सेलर बन जाएंगे, और वहां पर जो है इस चैनल का ब्रेकआउट हो चुका होगा। नेक्स्ट है कोटेक बैंक, इसकी वीडियो आप जो है बैंक निफ्टी की वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा LT, जो LT को मैंने यहाँ पर प्रेफर किया था 1150 रुपए के ऊपर, लास्ट वीक में पोजिशनल वालों के लिए किया था, तो यहाँ पर देखिए जो टारगेट आया हुआ है वो 1217 का आया हुआ है, हमारा फाइनली टारगेट यहाँ पर 1300 रुपए का है, तो अभी हम इसको जो है होल्ड करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा MNM में देखिए यहाँ भी ये भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दिया था, और ये दिया था 650 रुपए के ऊपर बाइंग करने के लिए, तो फाइनली यहाँ पर देखिए जो हाई यहाँ पर लगे वो 763 का लगा है, 750 हमारा टारगेट था, सो हमने अपना टारगेट बुक कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर सेलर बनने वाले हैं। बिकॉज देखिए एक चीज में आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, यहाँ पर एक चैनल टाइप का बन रहा है, या फिर आप इसको फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं, तो ये फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है, नीचे की तरफ किसी तरह भी ब्रेक हो सकता है, मे बी यहां पर कल एक डोजी कैंडल बन सकती है, डोजी कैंडल बनने के बाद फिर ये जो है अपर चैनल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, तो यहां पर वेट करिए मंडे के सेशन का। नेक्स्ट है हमारा मारुति, मारुति भी देखिए यहां पर आप लोगों को मैंने प्रेफर किया था 7300 रुपीज के ऊपर, और फाइनली यहां पर जो टारगेट हमारा 8000 का अचीव हो चुका है, तो इसको भी हमने बुक कर लिया है। तो अब ये देखिए इसके लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो ये लेवल है देखिए 7650, अगर ये 7650 के लिए
7650 को ये ब्रेक करता है तो ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है और यहां पर आप फ्रेश बाइंग बना सकते हैं, या तो इस लेवल के आसपास आ सकता है 7350 के आसपास, या फिर इस ट्रेंड लाइन के पास आकर ये दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा नेस्ले। तो नेस्ले को भी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं इसको वीकली चार्ट करता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट टॉप बना हुआ है, ये हमारा दूसरा टॉप है, बट ये जो टॉप बना हुआ है ये पूरी हरी भरी कैंडल है। सो यहाँ पर जो है मतलब अभी इसको शॉर्ट मत करिएगा, मे बी यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है कल के सेशन में। देखिए हम यहाँ पर बेरिश कब होंगे, बेरिश होंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तब हम यहाँ पर जो है सेल के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर अभी बाइंग के लिए ही देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलायंस। तो रिलायंस भी देखिए काफी दिनों से इस ट्राइंगल पैटर्न के अंदर ही काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं देखिए ये तो पैटर्न जो है इधर, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर से ड्रॉ की है, एक ट्रेंड लाइन मैंने नीचे से ड्रॉ करके रखी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। तो फाइनली अभी इसको अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो 2040 के ऊपर इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। 2040 का यहाँ पर आपका टारगेट जो रहेगा वो 2080 का रहेगा। ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, 2040 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है तो आप इसमें जो है इंट्राडे में ट्रेड बना सकते हैं। 2060 और 2080 आपके जो है टारगेट इंट्राडे के हैं। नेक्स्ट है हमारा SBI लाइफ। तो SBI लाइफ में कोई खास मूव नहीं है, अभी इसको छोड़िए जाने दीजिए। नेक्स्ट है हमारा श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट ने बहुत अच्छा करके दिया है यहाँ पर, ये देखिए जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रेफर किया था इसको इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद बाय करने के लिए। फाइनली देखिए कितना अच्छा यहाँ पर मूव दे गया, 21,000 मान लीजिए 22,000 पे से ये देख लीजिए कहाँ गया 25,600, मतलब 3,500 पॉइंट्स, 3,500 पॉइंट्स की जो है अप मूव यहाँ पर हमको देखने को मिल चुकी है। अब फाइनली देखिए ये अपने इस लेवल पर रिटेस्ट कर रहा है, ये देखिए इसका एक लेवल था, ये जो रेजिस्टेंस था अब वही सपोर्ट बनने जा रहा है। देखिए ये रेजिस्टेंस था और फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया, अब ये ही जो है ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया है और यहाँ पर एक डोजी कैंडल भी बन चुकी है, मे बी थोड़ा सा और नीचे आकर यहाँ से जो है बाउंस बैक कर सकता है, सो अभी इसको शॉर्ट मत करिएगा। नेक्स्ट है हमारा सन फार्मा। तो सन फार्मा भी देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को दिया था 530 रुपए क्लोजिंग के ऊपर, जाकर टेलीग्राम चैनल में एक बार जरूर देखिए, ये सारे मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं पोजिशनल वालों, जिसने पोजिशनल की ट्रेडिंग करनी है, जो पोजिशन में ट्रेड करते हैं उन सब लोगों के लिए मैं वीकेंड पे ये सारे चार्ट में पोस्ट करता हूं और उन चार्ट को मैं नेक्स्ट वीकेंड पे मैं अपडेट भी करता हूं। सो मैं वो आज भी अपडेट करने जा रहा हूं कुछ टाइम के बाद। सो अगर आप जो है पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो आप लोग को चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए, कम से कम ट्रेड मत करिए, देखिए उसको कि वो वाकई काम करते हैं कि नहीं करते हैं। सो आप लोगों को एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा TCS। तो TCS देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को दिया हुआ था कितने पे 2750 के ऊपर, तो फाइनली इसने जो हाई लगाया है वो लगाया है 2850 के आसपास का, तो अभी यहां पर जो मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मूव अभी हमको मिली नहीं है। हमको लगता है हमको वो जो मूव मिलने वाली है वो 2850 के ऊपर। सो फाइनली यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, यहां पर मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है तब तक हम जो है इसको बाइंग के लिए देखेंगे, अगर हमको दोबारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है फिर यहां से हम बाइंग के लिए देखेंगे, यहां से बाउंस बैक कर सकते हैं, इसको शॉर्ट मत करिएगा अभी। नेक्स्ट टाइम हमारा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स यहां पर बाइंग के लिए आपको मैंने यहां बाइंग के लिए मैंने आपको बताया था 120 के आसपास मैंने आपको बाइंग के लिए यहां पर दिया था टेलीग्राम चैनल में पोजिशनल वालों के लिए। फाइनली देखिए यहां जो 188 का हमने 170 का टारगेट दिया था, बट यहां पर 188 का टारगेट यहां पर आ चुका है। अब देखिए ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन चुका है। देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसको रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने के बाद देखिए यहां पर डोजी बनी है। अब मे बी यहां पर देखिए जैसे ही 183 का लेवल निकालेगा फिर हम यहां पर जो है 190 के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया था 885 रुपीज के ऊपर, और फाइनली यहां पर देखिए 950 का हमारा टारगेट यहां अचीव हो गया है। अब यहां पर देखिए मे बी ये रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है। तो ये देखिए मैं इसको भी जो है एक्सटेंड कर देता हूं। देखिए अगर ये नीचे की तरफ आता है, इस ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट के आसपास कोई डोजी कैंडल बनाता है, कोई हैमर कैंडल बनाता है, तो आप वहां पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक दोबारा हो सकता है। तो इसी का ध्यान रखिएगा, लेवल पर ही बाइंग करिए, कहीं बीच में बाइंग करके ट्रैप मत होइए। नेक्स्ट हमारा टाइटन। तो टाइटन ने बहुत जबरदस्त मूव दी है, हमने देखिए हमारी जो यहां पर पोजीशन हमने बनाया हुआ है वो 1208 के लेवल पर बनाया हुआ है। ये देखिए ये जब लेवल ब्रेक हुआ था, देखिए क्यों हमने ये बनाया था मैं आपको इसका लॉजिक समझाने जा रहा हूं, क्योंकि ये कंटिन्यू एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, ऊपर का चैनल टेस्ट करता था तो नीचे का चैनल आता था, फिर ऊपर के चैनल जब टेस्ट करता था फिर नीचे की तरफ आ जाता था, और नीचे का चैनल टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाता था। तो फाइनली जब यहां पर हमको ये
नीचे के चैनल पर हमको टाइटन मिला और 1210 के आसपास मिला, तो हमने यहाँ पर 1208 पे अपनी यहाँ पोजीशन बनाई और हमारा ये टारगेट था ये अपर चैनल को ये जो है टेस्ट करेगा। बट जब इसने अपर चैनल को टेस्ट किया और 1350 पे हमने यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर दी थी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 छह दिनों से कंटिन्यू एक ही लेवल पर जो है ये सस्टेन कर रहा है सेम हाई बनाते हुए। बट यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में इसने कुछ अच्छा मूव दिखाया है। अब यहाँ पर 1450 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आपको इंट्राडे में एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अगर आप पोजीशन भी बनाना साथ चाहते हैं तो छोटी क्वांटिटी के साथ 1450 के ऊपर यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रा टेक सीमेंट। तो अल्ट्रा टेक सीमेंट ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक बुलिश है और फाइनली देखिए ये एक सपोर्ट के आसपास ही अपना ट्रेड कर रहे हैं। मैं आप लोगों को देखिए ये देखिए चीजों को समझिए लॉजिक समझिए। अभी यहां पर ये देखिए इसके लिए कि ये रेजिस्टेंस था जैसा अभी हमने टाइटन में देखा ये एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ गया और फाइनली देखिए फिर नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आया इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें गिरावट चालू हो गई है नहीं ये जो है रीटेस्ट करने के लिए आया है। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसमें बेरिश नहीं होंगे हम इसमें बुलिश ही रहेंगे क्योंकि यहां पर देखिए एक कैंडल यहां पर जो है अनडिसीजन कैंडल बन चुकी है। मे बी यहां से कल ये जो है बाउंस बैक कर सकता है ऊपर की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है हमारा विप्रो। तो विप्रो देखिए यहां पर आप जो इसका जो हाई यहां पर है 380 जब निकलेगा तब हम यहां पर पोजीशन के लिए देखेंगे और या तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये इस सपोर्ट पर आ सकता है। देखिए अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो 353 है और यहां पर 350 का लेवल ब्रेक करने के बाद ये जो है 335 को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहां पर सेलिंग के लिए देखिए अभी बाइंग के लिए मत देखिए बिकॉज यहां पर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक डोजी कैंडल बनाने के बाद ये ऊपर का चैनल टेस्ट करने के लिए जाए बट यहां पर इतनी इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। सो मैं यहां पर इसको सेलिंग के लिए देखूंगा 350 के नीचे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है सारे लेवल आपको समझाता हूं मैं यहां पर सारी चीजें लॉजिक के साथ समझाता हूं। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।